सर डेमोक्रेसी not... और कम्युनिज्म वाला सवाल आपसे ये कि आपकी नजर में डेमोक्रेसी जो है वो एक सक्सेस uh, मॉडल है दुनिया के लिए वे ऑफ गवर्नेंस जो डेमोक्रेसी का हाँ. और कम्युनिज्म के बारे में आपके आपकी राय मैंने कभी सुनी नहीं है कॉम्युनिज्म जो आई जेन जेन्यूनली बिलीव कि कॉम्युनिज्म का जो व्यू था वो बड़ा ऑब्वियसली यूटोपियन व्यू है एंड uh, यूटोपियन व्यूज हैव वन प्रॉब्लम द दे

सो so, um, जो उन्होंने हाइब्रिड क्रिएट किया लेकिन इफ यू लुक एट इट द फेस वैल्यू वो तो प्योर एंड सिंपल ओल्ड फैशन अथॉरिटेरियनिज्म है आपने क्या चाह रहा पहला डेमोक्रेसी के निजाम में ये निजाम जिसने क्रिएट किया है जिन लोगों ने ये निजाम बनाया है जाहिर है मुसलमानों ने तो नहीं बनाया ना रशियन ने ना चाइनीज ने

लेकिन मैं ये मेरा ये व्यू कि इस इसकी वजह से उनके पास इतने आ गए हैं, इतनी ज़्यादा पावर उनके हाथ में है कि वो जिस मुल्क को चाहे उस पर सेंशन लगा के उसको तबाह कर दें। आपने क्या है <laughs> तो उसका जो अभी चल रहा है मामला वो उस, उसमें इनके, इन्हीं के सैंक्शंस की वजह से आज वहाँ खाना पीना नहीं इंग्लैंड में गोल्ड उनका जमा था अमेरिका ने मना कर दिया तो उनका गोल्ड भी वापस नहीं आ सकता इतना इतना इन्फ्लुएंस पावर ये भी मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ वेनेजुएला का लेकिन मुझे इतना पता कि जो चावेज और ये जो काम होता रहा और जो वेल्थ होती रही डिस्ट्रीब्यूशन और करप्शन वहां पर रही है लॉट ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ पार्ट आपने डेमोक्रेसी में अगर आना है सो so यू और ये डेमोक्रेसी नाउ जो हमारे खान साहब ने एक और कलाबाजी खा दी है कि एक और उन्होंने शोशा छोड़ दिया है कि यू नो ये एक और मेरा ख्याल वो सिस्टम बन जाना है कि ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक का सिस्टम ना कहीं चल पड़े के वेस्टर्न साइज ऑफ डेमोक्रेसी उसने इजीली सोवियत यूनियन को तो बीट कर दिया क्योंकि दैट वाज मच क्लोजर टू ट्रू कम्युनिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स लेकिन ये जो चाइनीज right. कॉम्युनिज्म है दिस इज मच डिफरेंट ये कैपिटलिस्ट हाइब्रिड विद अथॉरिटेरियनिज्म विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन पीपल सिविल लिबर्टीज तो जो के ऑन पेपर लगता ऐसे दिस इज गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकिन ये भी एक फियर पंडित देते हैं कि दिस विल ऑल कम क्रैशिंग डाउन एट सम पॉइंट कि जितने चाइनीज बाहर से होके चाइना में जाते हैं दे अप्रिशिएट जो सिविल लिबर्टीज हैं क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इंसान की फितरत है वी वॉन्ट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ हमने अपनी कंडीशन को बेहतर करना हमें तो ये पसंद नहीं है कि अगर किसी ने हमें ज्यादा घूर के क्यों देख लिया किसी ने थोड़ी देर सो हाउ कैन यू हैव कि आपने चलना किस तरह आपके है? आपके सोशल पॉइंट्स क्या हैं आपने क्या बात करनी है आप क्या बात नहीं कर सकते हाउ कैन यू लाइक इट तो जब आप इधर जाके आप यूएस प्रेसिडेंट के मुंह पे उसको गाली देके चले जाएं एक तरफ ये है उधर आप

थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ